Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the symptoms of alcohol dependence. ठीक है, person alcohol लेना start कर दिया है, अब उसके लिए वो क्या हो गया है? Dependent हो गया. Dependent होने के बाद person में क्या क्या symptoms दिखाई देंगे वो अपन देखते हैं. So first is what? Neglect of other activities. Second is excessive use. Third is impaired control. Then persistent of use, then large amount of time spent in alcohol related activities, then withdrawal, and last is what? Tolerance. So first we will see about the neglect of other activities. The drinker's alcohol use reduces, eliminates important social, work related or recreational activities. ठीक है, means जो भी persons alcohol लेते हैं वो क्या करते हैं? Neglect करते हैं अपने personal and other activities. जो important activities रहते हैं ना, उनको भी क्या करते हैं, ये neglect करना start कर देते हैं. ठीक है, even वो अपने family को भी क्या करते हैं, धीरे धीरे neglect करते रहते हैं. ठीक है, then excessive use. The drinker begin to consume large amount of alcohol over a longer period of time than intended. ठीक है, means एक ही time पे बहुत सारे amount में भी person क्या करते हैं, alcohol intake कर जाते हैं. ठीक है, then impaired control. The drinker makes repeated unsuccessful attempts to cut down or control how much he should drinks. ठीक है, means person क्या करते हैं, alcohol लेने के बाद वो अपने आप पे control नहीं कर पाते हैं. मीन्स एक ही टाइम पे बहुत सारे अमाउंट में ले भी लेते हैं और उसको कभी छोड़ भी नहीं पाते हैं, कट डाउन भी नहीं कर पाते अल्कोहलिज्म को. ठीक है, देन परसिस्टेंट ऑफ यूज. द ड्रिंकर कंटिन्यूज टू कंज्यूम अल्कोहल डिस्पाइट नोइंग दैन हीज आर ड्रिंकिंग इज काउजिंग अ कंट्रीब्यूटिंग टू अ परसिस्टेंट और रिकरेंट फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, मीन्स परसिस्टेंट ऑफ यूज, दैट मीन्स पर्सन को पता है उसको फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है अल्कोहलिज्म से, उसके बाद भी अल्कोहलिज्म को पर्सन नहीं छोड़ता है. ठीक है, देन लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन एल्कोहल रिलेटेड एक्टिविटीज़. मीन्स पर्सन एक बार डिपेंडेंट हो जाता है जब एल्कोहलिज्म के लिए, तो अपना बहुत सारा टाइम क्या करता है, इसी सब में वेस्ट करता है. एक तो एल्कोहल परचेस करने में, लेने में, उसके बाद उसके एक्टिविटीज़, मीन्स एल्कोहल लेने के बाद जो बिहेवियर आता है उसी में सारा टाइम को क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज विड्रॉल. वेन द ड्रिंकर स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये शी एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज नोजिया, स्वेटिंग, सेकिंग और एनजाइटी. ठीक है, जो भी पर्सन से अल्कोहल लेते रहते हैं और अचानक से अल्कोहल लेना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स पर्सन में दिखाई देते हैं. ये सब विड्रॉल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, सेकिंग और एनजाइटी, ये सब हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज वॉट टॉलरेंस. द ड्रिंकर नीड्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एल्कोहल टू अचीव द सेम लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, मीन्स टॉलरेंस बहुत ज़्यादा पर्सन का बढ़ जाता है, वो बहुत सारा अमाउंट एक साथ में ले सकते हैं. मीन्स दिन ब दिन वो अपने अल्कोहल कंज्यूम करने का जो अमाउंट है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं, क्योंकि उनका टॉलरेंस लेवल क्या होता है, बढ़ते जाता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी विल से अबाउट दैट मैनेजमेंट.